ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, क्या खा के मरे थे? साउथहैम्पटन में पहली जीत का जबरदस्त जश्न मनाने के बाद लंदन पहुंची टीम इंडिया, 9 जून को यहीं है ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। उप कप्तान की शान में कप्तान ने गढ़े कसीदे, कहा नहीं देखा। तेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। नोवल कोरोना वायरस तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बेकार। तुझे पता है किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वरना तू जिसके ऊपर हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। साला अंबानी। हाँ जी सुनो। हाँ जी बोलो। आती हुई ना अपनी दाढ़ी कटवा कर आना, रात को बहुत चुभती है। सही बोल रहे हो मैडम, मैं भी इनको बहुत बार बोल चुकी हूँ। Oh, no. सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? वो देखो वो आदमी मुझे बहुत देर से घूर रहा है। कौन वो? अरे यार वो कबाड़ी वाला है, बेकार माल पे हमेशा उसकी नजर रहती है। 18 साल की लड़की ने 65 साल के बुड्ढे से की शादी। बाद में लोगों ने लड़की से पूछा कि तुमने इस बुड्ढे में ऐसा क्या देखा, तो लड़की ने कहा एक तो इनकी इनकम और दूसरा इनके दिन कम। बहुत तगड़ी टेंशन में लग रहा। क्या बताऊं यार, मेरी सेटिंग किसी और साथ भाग गई। अच्छा तो यार भी टेंशन की बात है, टेंशन तो हमें भंडारे में गया था, एक भी पूरी नहीं हाथ आई, हर चप्पल ऊपर तो चोरी। लॉकडाउन में घर से बाहर कैसे निकलें? घर से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम सरसों का तेल और एक डंडा। तेल लगा हुआ डंडा अपने पिछवाड़े पर तब तक बरसाएं जब तक आपका पिछवाड़ा सूज न जाए। इससे आप में पुलिस का डंडा खाने की सहन शक्ति बढ़ेगी और आप बाहर निकल सकेंगे। I like it। घर घर शौचालय बनाने का क्या फायदा है? नींबू खड़ा तू बता। सर घर घर शौचालय बनाने से वातावरण शुद्ध रहता है। वेरी गुड। एक और फायदा बताओ। सर बार बार आगे खिसकना नहीं पड़ता है। अच्छा अभी तो कोई पुलिस को फोन भी नहीं कर सकता कि सर मेरे घर चोरी हो गई, वरना पुलिस आकर उल्टा उसी को मारेगी। अबे साले तू कहाँ था? क्यों रे कहाँ जा रहे हो सालो? तुमको नहीं पता सब बंद है? सर ये चल नहीं सकता इसलिए मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ।